उसके लिए सभी लोग जो है हम स्वागत करते हैं उनका। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मीटिंग शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी कभी ये देखा गया है कि मीटिंग के बीच में लोगों का गलती से ऑडियो ऑन हो जाता है, तो प्लीज़ ऑडियो जो है अपना ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ रखेंगे। उसके बाद में जब जैसे ही आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको बताएंगे, तो उसके बाद में ऑन करें। अभी वैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सभी का ऑन म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया वैसे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अजय कृष्ण अग्निहोत्री है और मैं गवर्नमेंट जॉब से हूं, और गवर्नमेंट जॉब के साथ में इस बिज़नेस को बहुत पैशनेटली पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहा हूं। और एक चीज़ ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे अवसर हैं जो हमको ये लगा कि शायद वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए हम नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे हमारे ड्रीम्स थे, कुछ हाई ड्रीम्स थे, जिनको कि ऐसा लगता था कि शायद हम गवर्नमेंट जॉब में उनको लीगली नहीं कर सकते, और इलीगल करने का कोई इरादा नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी जैसे ही हमारे सामने आई तो हमने उसको तुरंत हाथों हाथ लिया, और तब से जो है हम लगातार कर रहे हैं। आज जिन शख्स को हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं वो भी खुद एक एमएनसी में क्वालिटी एनालिस्ट हैं और ग्रेटर नोएडा को बिलोंग करते हैं। उनकी वाइफ जो हैं वो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और दोनों लोग व्यस्त होते हुए भी, काफ़ी व्यस्त जीवन होते हुए भी इस बिज़नेस को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं। तो हम बाकी तो उन्हीं से सुनेंगे उनके डिटेल्स। तो बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप लोग अपना म्यूट रखें मीटिंग में, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, और थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अगर वीडियो ओपन है तो हम पूरी तरह से ड्रेस में हों, ड्रेस कोड में हों तभी, और जो स्पीकर्स होंगे वो स्पेशली जो है जो अलाउड डिस्कॉर्ड है उसमें ही रहें। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, और आज हम अपने आज के जो स्पीकर हैं बहुत डायनामिक लीडर हैं, बहुत यंग हैं, काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहे हैं, और उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर पवन शुक्ला फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो एक वर्चुअल क्लैप के साथ हम लोग उनको वेलकम करते हैं। पवन शुक्ला जी, आप थैंक यू भैया, थैंक यू अभय सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस गिफ्ट, दिस ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ एंड प्रेजेंट द प्लान टू एवरीवन। सो अभय सर ये शो कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल। ओके, जस्ट छोड़ रहा हूँ। ओके, तो प्लान शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा, वैसे भैया ने बता ही दिया है, फिर भी मैं और मेरी वाइफ शिखा दोनों मिलकर के बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने का रीजन अभी मैं शेयर करता हूँ। फिर भी मेरा एक्चुअली हम दोनों बहुत ही बिजी थे, एक तरीके से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वाला काम था। मैं नॉर्थ डायरेक्शन जाता था, वाइफ साउथ डायरेक्शन जाती थी, तो मैं दिन में घर को संभालता था, वाइफ रात को संभालती थी, क्योंकि मेरा एक्चुअली यूएस स्टैंडर्ड है, तो मैं रात को मेरा नाइट स्टैंडर्ड रहता है काम को करने का। तो बिफोर स्टार्ट आई एम गिविंग द माइक टू माई वाइफ, तो वो आपसे शेयर करेंगी इस बिजनेस को उन्होंने क्यों किया, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इस बिजनेस को। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ शिखा शुक्ला, आई एम ए गवर्नमेंट टीचर, और गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ हम दोनों भी इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे स्टार्टिंग में जब मेरे फ्रेंड ने मुझे ये प्लान दिखाया तो मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, और ना ही मुझे बिलीव आया इसमें। लेकिन मैं जब मैं बीमार पड़ी और उसके बाद मैंने ये सारे प्रोडक्ट यूज करे, बीमारी से मैं उठ नहीं पा रही थी, उस समय मेरा बिलीव बहुत ज्यादा इस पर हो गया। और आप सच मानिए, और आज की डेट तक हम लोग अभी भी इस बिजनेस को हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस बिजनेस प्लान में क्या होता है, ये कैसे होता है, इसे मेरे हस्बैंड मिस्टर पवन शुक्ला आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। तो चलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, एक जो स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पैसिमिस्टिक। आपने ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस कि हर हर चीज को वो पॉजिटिवली लेते हैं,
और उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको दिखाने के बाद भी वो निगेटिव सोचते हैं और उसमें नुक्स वगैरह निकालते रहते हैं। जो जब इस प्लान को दिखाया गया तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं भी थोड़ा पैसिमिस्टिक था, लेकिन जिस हिसाब से अभय सर के साथ और अजय भैया के साथ जो ट्रेनिंग मिली तो उसमें मैं ट्रेंड इस राइट साइड से लेफ्ट साइड का टर्न हो गया, यानी कि पैसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्टिक की तरफ चला गया। आगे देखते हैं कि आखिर कभी भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं उसका रीजन ये होता है कि सबसे सबसे फास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है होता है वाई, आखिर हम इस चीज को क्यों करें। जैसे मेरे साथ ये हुआ कि हम दोनों बिजी थे, पैसा अच्छे खासे आ रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम का बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था और सिक्योरिटी तो थी, क्योंकि अगर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है तो सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट चीज ही है, जिसके लिए मैं देख रहा था। तो ये मेरा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो मेरे साथ मैच करे और वो सारा डिसीजन ले सके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब देखते हैं हर एक, ये तो मेरा रीजन था, लेकिन किसी के साथ और भी कई लोगों अपने सपने होते हैं, क्योंकि सपना जितना ही बड़ा आपका स्ट्रांग होगा आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा और आप उतने स्ट्रांग बनेंगे लाइफ में। तो किसी का हो सकता है कि बड़ा घर चाहता है, कोई टूर एंड ट्रेवल्स को पसंद करता है, जैसे मैं ट्रेवल को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ट्रेवल में आज तक अकेले गया हूँ, वाइफ के साथ नहीं गया। तो अभय सर हमेशा मेरे को बोलते थे, भाई क्या वाइफ को लेके गए, क्या फैमिली को लेके गए? मैंने कहा नहीं सर, अकेले गया। तो ये अपॉर्चुनिटी तभी मुझे और ज्यादा क्लिक हुई कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ, आगे अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मैं अपने बॉस को तो कोई भी नहीं पसंद करता है और मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपना बॉस बन सकता हूँ, इस बिजनेस में फ्रीडम पा सकता हूँ, एक अच्छी हम चैरिटी कर सकते हैं इस बिजनेस को थ्रू। रिटायरमेंट जहाँ तक बात करें, मैं जल्दी रिटायरमेंट की तरफ मैं चल रहा हूँ और अभय सर और अजय भैया के साथ मिलकर के इस अर्ली रिटायरमेंट को मैं जल्दी पूरा करूँगा। बात हुई और लाइफ, जैसे कि स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभय सर को देखता हूँ, पार्थो बोस सर को देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ और इस मीटिंग में देखता हूँ, उनसे मैं देखता हूँ कितनी स्ट्रेस फ्री लाइफ है उनकी। अभय सर को देखिए, बिल्कुल हमेशा चेहरा दमकता हुआ मिलेगा, हमेशा खुशी। हाँ, इसी तरह पार्थो बोस सर को देखिए, हमेशा रात को भी हमेशा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम लोग की हालत ये होती है कि शाम को 10-11 बजे तक आते आते कैसे स्ट्रेस फ्री फील करते, कितना स्ट्रेस फील करते हैं। तो इस तरीके से और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग कर सकते हैं। हर एक का सपना अपना अलग अलग हो सकता है और क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ये सारी चीजें बिजनेस शुरू मिलता है। और अच्छा बैंक बैलेंस, ये सारा कुछ जितना सब कुछ मिलता है वो सब बैंक बैलेंस के थ्रू मिलता है। अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, यू कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग। और गुड हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वर्ल्ड, आप देख रहे हैं इसमें जो सिनेरियो चल रहा है कि हमारा अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो पैसे के क्या करेंगे। तो पैसे के साथ साथ आपका हेल्थ, आपका लाइफ, सब कुछ इसके साथ मिलता है, यानी कि एक तरीके से पूरा पैकेज है, जिसे कहते हैं ना कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज देयर। तो ये इस बिजनेस के थ्रू मिलता है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। या अपने सपने आप देख लीजिए, आपको सपने आपको क्या पसंद लगता है, एक सपने के लिए आप दौड़ेंगे, आपको सारे सपने मिल जाएंगे। ये इस बिजनेस सबसे खासियत थी जो मैंने इस बिजनेस को डेवलप किया, डेवलप कर रहा हूँ और उसको बहुत तेजी से ग्रो करूंगा। अब मैं आगे देखूंगा कि इसको मैं आगे क्या क्या आपके लिए शेयर कर सकता हूँ, बिजनेस को कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें से बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या इसमें डिफरेंस है, क्या फॉर्मूला है, अपने सिस्टम बेस्ड इनकम और एक्शन बेस्ड इनकम की आप क्या पावर है, इससे किससे क्या चीज जनरेट कर सकते हैं क्या। और एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि हम एक बिजनेस ओनर बनेंगे तो बिजनेस ओनर के लिए हमें बनने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कैसे हम सिस्टम बेस्ड इनकम को जनरेट कर सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में जानेंगे और कहां पर यूज मनी है और उस मनी को कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एक अपकमिंग ऑथर थे यूएस में और इस लाइक के फाइनेंशियल गुरु हैं, इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने अपने बिजनेस को वर्ल्ड को बताया कि फोर वेज से लीगल वे से पैसा कमाने के तरीके बताए उन्होंने। एक जैसे कि ESBI मींस एम्प्लॉई, एस इज सेल्फ एम्प्लॉयड, बी इज बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर, या मैं इनको दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हम ये देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले किस तरह के लोग होते हैं। जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं एक्चुअली ये एक्शन बेस्ड इनकम जनरेट करते हैं और ये मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड भी वही होते हैं जो आपके एक्शन डालेंगे तो पैसे बनेंगे, एक्शन नहीं है तो पैसे नहीं बना पाएंगे। लेकिन राइट साइड के लोग अगर हम देखते हैं तो ये एक नेटवर्क बिजनेस को डेवलप करते हैं,
और एक नेटवर्क जनरेट करते हैं जिसका वो नेटवर्क उनके लिए काम करता है और इनके काम करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम जान लेते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉई हैं वो समझ सकते हैं, जो बिजनेस ओनर है वो अपने आप को समझ सकते हैं। मोस्टली हम लोग 90% कैटेगरी जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो एम्प्लॉय कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है। राइट साइड के जो लोग होते हैं बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, लेकिन क्या है, क्या डिफरेंस है? लेफ्ट साइड के लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या उनके पास इनकम होती है? हम नहीं कहते इनका सबकी नहीं, लेकिन फिर इनके पास हेल्थ होती है बहुत ही कम होती है। लेकिन राइट साइड के जो लोग होते हैं ये बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन क्या इनकम बहुत ज्यादा है। यही चीज मेरे दिमाग में बहुत तगड़ी क्लिक करी कि आखिर ये क्या चीज है, ये कैसे हो सकता है कि जो कम पढ़े लिखे लोगों का पैसा ज्यादा कैसे है। तो समझ में आया कि भैया यहाँ पे पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम टाइम को ग्रो करें तो ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर जैसे कि मान लीजिए एक साल में 300 वर्किंग डे मान सकते हैं और 8 घंटे काम करते हैं और 40 साल अगर वर्क करें तो हम टोटल जो है 96,000 आवर्स काम करते हैं। लेकिन अगर अभी हम देखेंगे आगे चलकर हम किस तरीके से बिजनेस किस तरह से टाइम को जनरेट क्रिएट करते हैं और किस तरीके से पैसे बनते हैं। ठीक है, आप भी बात करते हैं कि आखिर जिस कंपनी से हम जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, आखिर उस कंपनी से हम क्यों जुड़े। देखेंगे 1959 में इस बिजनेस को दो दोस्तों ने डेवलप किया, रिच डेवॉस और जे वैन इंडल, इनके लिए हम क्लैप कर सकते हैं क्योंकि इनके थ्रू ही पूरे दुनिया में 110 कंट्रीज में लोगों ने अपने लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज किया है और आगे जिंदगी चेंज कर रहे हैं। ये 8.6 बिलियन एंड 70,000 करोड़ की कंपनी है टर्नओवर ग्लोबली की बात करें तो 450 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, डेट फ्री कंपनी है, 1100 पेटेंट्स हैं और 800 प्लस पाइपलाइन में है इनके पेटेंट्स। एक पेटेंट लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या करने पड़ते हैं आप समझ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही पार्थ बोसर ने सब बारे में डिस्कस किया था। इंडिया में जो बिजनेस आया तो 1998 में आया और 6 प्रोडक्ट्स साथ बिजनेस को डेवलप किया उन्होंने और अब इस समय 160 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में। अभी हम कैटेगरीज देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज में है। आजकल की अगर हम बात करें जो ट्रेंड चल रहा है, जो बिगेस्ट ट्रेंड चल रहा है इसमें कंट्री में पूरे वर्ल्ड में, तो फर्स्ट है जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो आज का यूथ है वो ये चाहता है कि वो जॉब करना नहीं चाहता, कि दे वांट टू बी जनरेट सम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों को जिंदगी में इफेक्ट आए और लोगों के बारे में कुछ हेल्प कर सके, लोगों को कुछ हेल्प कर सकें, उनकी उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकें। तो ये बिजनेस में क्या है कि इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप हम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज है जो बहुत ही बिगेस्ट ट्रेंड चल रहा है, ई कॉमर्स। आजकल आप देख रहे हैं इस पैंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हमारे बिजनेस में एक ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम ई कॉमर्स इसमें किस थ्रू प्रोडक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं, हम भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं, जो भी है मतलब बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और थर्ड है वेलनेस इंडस्ट्री जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। 2025 तक 65,000 करोड़ प्लस की कंपनी हो जाएगी। तो क्या इसमें देखेंगे, क्या हम लोग हैं इसमें, हमारा पार्ट कितना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेस्ट है ये सारा बताया गया है, हमारी कंपनी यहाँ पे 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में देख लेंगे। मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया जो हमारा इस समय फोकस है, इस पूरे जो हमारी ग्रोइंग कंट्री है इसमें, तो वो हमारा इसमें हमने बिजनेस को यहाँ पे हमारी कंपनी ने इस प्लांट को डाल दिया है और यहाँ पे हम प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं और इसी यहाँ के इसी से। अब इसमें देखिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इसमें जो मोस्ट फोकस है वो हर्बल प्रोडक्ट्स का है जो जनरेट हो रहा है हमारे यहाँ से। और आगे चल के फ्यूचर जो हमारे लिए बहुत बड़ा जो एम्पायर खुला हुआ है, क्योंकि हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड आगे चलेंगे। आगे देखते हैं सब कि एमवे कंपनी से हम लोग क्या क्या जनरेट करेंगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या हम इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करते हैं, हमारा कैपिटल बहुत ही कम लगता है, कोई ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, लाइसेंस हमको मिलता है एक जिसको हम इस लाइसेंस के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें फोकस जो एमवे कंपनी कर रही है वो डिलीवरी पे कर रही है, तो बहुत ही इसमें बहुत सारे 2000 प्लस लोकेशंस को उन्होंने जनरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस बिजनेस में हम कितना इनकम को, कितना हाईली पोटेंशियल इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ये इसमें बहुत ही प्लस पॉइंट है कि हमारा जो इनपुट है बहुत कम है लेकिन जो पैसे हम जनरेट करेंगे बहुत ही हाईली इनकम है, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं।
अब क्या था, ये अपॉर्चुनिटी है क्या? अपॉर्चुनिटी है ये, हम आप क्या कर सकते हैं कि हम जो इंडिया में ही रह करके हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का एंजॉय कर रहे हैं, और वो भी हमारे एक तरीके से ऑथराइज्ड है, एक तरीके से उसमें सब कुछ हम उसका डेमो देख करके सब काम करते हैं, बाकी कंपनियों में बाकी जो प्रोडक्ट मार्केट में देखते नहीं है, बस प्रोडक्ट ले लिया यूज करने लगे। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम रिकमेंड कर सकते हैं या प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं लोगों को जो इस तरह के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। दूसरा, इस बिजनेस को हम नेशनली या ग्लोबली जनरेट कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास 450 प्रोडक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 160 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से हम देख सकते हैं। न्यूट्रिशन बिजनेस में इसमें नंबर वन है, लगातार 5-6 सालों से लगातार हम नंबर वन बने हुए हैं। हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं हमारे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर की बात करें, होम केयर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, और एक और सबसे मजे की बात है, जैसे कि एमवे हमारा फाइनेंशियल को क्लियर केयर करता है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे हेल्थ को केयर करते हैं, और जो हमारी बिटवर्ड सिस्टम है वो हमारे फ्यूचर का केयर करती है, और जो हमारे अप्लाइंस हैं वो तो हमारे जनरेशन टू जनरेशन का केयर करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज केयरिंग की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए इम्पैक्ट था, यहाँ पे हर चीज केयरिंग की बात होती है। अब देखते हैं कि ये ह्यूज मनी है कहाँ पर। अभी तक क्या था कि ट्रेडिशनल चीजें थी, इम्पोर्टेंट क्या था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता था और एक कंज्यूमर था, प्रोडक्ट खरीदता था। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कोई प्रोडक्ट बना, वो मिडिल मैन बीच में आता है, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, ट्रांसपोर्टेशन होता है, C&F एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इस तरह सारे लोग होते हैं। लेकिन क्या करते हैं, क्या हम चीज देख, जो भी प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बन रहा है, क्या वो कुछ जो हमारे पास हम खरीदते हैं, तो क्या ये बीच के लोग होते हैं कुछ वैल्यू एड करते हैं? कोई भी वैल्यू एड नहीं करते हैं। तो ये अब इसका एक नया रूप आया, नया रूप ये आया कि ये वैल्यू, ये जो बीच के लोग थे इनकी जगह अब मॉल्स खुल गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोडक्ट को लेते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन है क्या, एमवे कंपनी ने क्या किया, एमवे कंपनी का इन सबको हटाइए क्योंकि ये कोई भी वैल्यू एड नहीं कर रहे थे। अगर मॉल की बात करें तो मॉल में भी आप थोड़ा सा आप डिस्काउंट लेते हैं, लेकिन क्या आपको इनकम जनरेट करने के फॉर्मूला बताते हैं या इनकम जनरेट कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। यहीं पे एमवे ने अपने प्लान को देखा और यहीं पे बताया कि किस तरीके से हम एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं और हम कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन गए। अब आगे देखते हैं कि आखिर नॉर्मली ट्रेडिशनल प्लान में हमारे बिजनेस प्लान में क्या है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है तो कंपनी करती है, 30-40% उसको भी देना पड़ता है, GST लगती है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है, जो हमारे बीच ही लोग थे जो अभी तक जो हमारा पैसे को कंज्यूम कर रहे थे वो पैसा हमको दोबारा हमको मिल जाएगा। लेकिन एक प्लान के तहत इसमें कुछ दिखाया गया, ऐसे 8% कैशबैक मिल जाता है हमको, 21% बोनस के रूप में मिलता है, 11% लीडरशिप बोनस के रूप में मिलता है, और कुछ रिटेल प्रॉफिट होता है। आगे हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे हमको रिटर्न करेगा पैसा। तो ये कुछ इनकम लेवल्स हैं कि अगर हम कभी 200 PV का बिजनेस करते हैं या 20,000 का बिजनेस करते हैं तो 3% लेवल्स हैं। आप जिनके साथ बैठे, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो आप जिनके साथ जिन्होंने बुलाया उनके साथ बैठ के आप देख सकते हैं कि इस प्लान को इस लेवल को चेक कर सकते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इस बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो आपने बिजनेस को समझा और इस बिजनेस को साइन अप किया, तो यहाँ पे तीन लोग आपको सपोर्ट पहले करते हैं। पहले तो एमवे करती है जो आपको साइन अप कराती है, बिजनेस को प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है। दूसरा आपको स्पॉन्सर आपको कोई होगा जो आपको स्पॉन्सर करेगा, और तीसरा है बिटवर्ड सिस्टम जो आपको हाउ वाला जो पार्ट है और वाई वाला पार्ट है दोनों एक केयरिंग करता है, और जो हमारे स्पॉन्सर्स है, जो हमारे अपलाइन है, वो हमारे हमको कैसे बिजनेस को डेवलप आगे बढ़ाना है डे टू डे बेसिस में उनको वो बताते हैं। अब देखते हैं कि आखिर कैसे बिजनेस डेवलप करते हैं, कैसे बिजनेस डेवलप करेंगे और पैसे हम कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 5,000 rupees आपने इन्वेस्ट किए पहले, तो आपको करीब करीब आप बहुत ज्यादा, मैं कैलकुलेशन में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप जिनके साथ आए हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता, क्या क्या पैसे जनरेट होते हैं। जैसे आपने 5,000 का बिजनेस स्टार्ट किया और आपको 900 कैशबैक मिल जाता है और CSI प्लस मिलाकर 900 के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाता है आपको पहले ही महीने में। अब आप क्या करते हैं, जैसे आपको बिजनेस समझ में आया
तो आप क्या करते हैं, अपने कुछ फैमिलीज के साथ बातचीत करते हैं, और आपकी फैमिलीज, आप जब बातचीत करते हो तो आप मान लेते हैं कि ये 9 फैमिलीज आपको ऐड हो गए। ये मैंने एक नंबर लिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप 9 फैमिली ऐड हो जाए, होता है ज्यादा ऐड हो जाए, होता है कुछ कम हो जाए, लेकिन एक एवरेज हमने मान के चला है कि आपके 9 फैमिलीज आपके साथ अटैच्ड होती हैं, और वो भी इसी तरह से 5000 का प्रोडक्ट लेते हैं, और बिजनेस उनको प्रोडक्ट समझ में आया, उन्होंने यूज किया, और उस तरह से उन्होंने बिजनेस को, प्रोडक्ट को लिया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो आप देखते हैं, पहले तो आप अकेले थे, आपको 9 मिला करके आप 10 लोग हो गए, टोटल देखा 50,000 का बिजनेस हुआ, आपने लेवल चेक किया तो आप 3% लेवल पर आ रहे हैं, इसमें टोटल मिला करके आपको 2400 पर मंथ के हिसाब से आपको इनकम जनरेट हुई, और 20 अगर उसको ईयरली कैलकुलेट करें तो 28,800 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आपको मिला। इसी तरीके से आप देखते हैं, अगर आपकी जो 6-9 फैमिलीज आई है उसमें से आपके साथ 6-6 फैमिलीज उनके साथ ऐड हो गई, तो आप देखते हैं कि क्या हुआ। तो मैं कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे आपकी इनकम में जाता हूँ। आप जैसे ही देखिए आपकी, आप दूसरे पड़ाव पे पहुंचे तो आपकी जो इनकम हुई वो 33,120 रुपीज की हो गई। आजकल इस इनकम के लिए लोग कहाँ मारे मारे घूम रहे हैं, और इस इनकम के लिए अपनी फैमिली, अपने टाइम, अपने पेरेंट्स सबको छोड़ करके भाग रहे हैं। अब यहाँ पे इतने छोटे से लेवल पे ही आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, मान लेते हैं जो 6 फैमिलीज आपके साथ आई थी उनके साथ 3 फैमिलीज और आ गए, तो अब देखते हैं यहाँ पे इनकम कितना आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं सीधे 1,062,720 रुपीज। इस इनकम को जनरेट करने के लिए लोगों को अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन ये इनकम आने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस लेवल को जनरेट करते हैं, और यहाँ पे जैसे इस लेवल पे आप आते हैं 21% कहलाता है, सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाता है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की इनकम जनरेट होती है। और अगर आप इसको 3 महीने मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड कहलाते हैं, और 6 महीने आप मेंटेन करते हैं तो प्लेटिनम। और इसी टर्नओवर को आपने 10,000 या 10 लाख का बिजनेस को आपने सालों में मेंटेन किया तो आप कहते हैं फाउंडर प्लेटिनम। अब देखते हैं फाउंडर प्लेटिनम की कितनी इनकम होती है। फाउंडर प्लेटिनम इनकम 15 लाख पर ईयर होती है। ये इनकम जनरेट करने के लिए लोगों को कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, और क्या क्या नहीं करना पड़ता है बॉस के लिए या किसी के लिए, तब ये इनकम जनरेट होती है। अगर अब आगे देखते हैं कि इसी तरीके से आपकी अगर आपकी आपने 3 फैमिलीज को 21% लेवल पहुंचाया तो आप कहलाते हैं एमरल्ड, और अगर आपने इसको 6 महीने मेंटेन किया तो 12 महीने मेंटेन किया तो आप कहेंगे फाउंडर एमरल्ड। देखिए 45 लाख पर है। ये इनकम मुझे नहीं लगता है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टार्टिंग में लोगों को मिलती होगी। ये आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद और करीब 20-25 साल मेहनत करेंगे तब शायद इस लेवल पहुंचेंगे। और यहाँ पे हमारे अभय सर इस इनकम को कितने सालों से एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से हमारे डायमंड सर हैं, पार्थो सर, उनकी इनकम यहाँ पे अगर हम जो 6 फैमिलीज को अगर हम डेवलप करते हैं 21% ले जाते हैं और वो पूरे साल के 12 महीने अगर मेंटेन करते हैं 10 लाख के टर्नओवर को तो वो 86 लाख पर ईयर का इनकम जनरेट करते हैं। और यहाँ पे ये सब तो बहुत सारी इनकम, इसके आगे बहुत सारी इनकम, हम उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आकर के बहुत सारी चीजें, आपके सपने आपके फाउंडर प्लेटिनम लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो फोकस ये रहेगा कि जो हमारे साथ टीम में है और जो इस बिजनेस प्लान को देख रहे हैं उस यहाँ पर फाउंडर प्लेटिनम लेवल को भी अचीव करते हैं तो अपने सपनों को कुछ हद तक और काफी हद तक अपने सपनों को पा सकते हैं। अब आखिर हमें आगे करना क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो वाई वाला पार्ट होता है वो 90% होता है और हाउ वाला पार्ट है वेरी 10% है। अगर आपके ड्रीम स्ट्रांग है तो आप इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और ड्रीम, एक और मजे की बात है जो अभय सर और पार्थो सर दोनों से बोलते हैं कि वाई वाला जो पार्ट है ना, ड्रीम वाला पार्ट, ये बाजार में नहीं, आपको जाके बाजार में कुछ नहीं मिलेगा। बाजार में आपने लड्डू खाया आपको ड्रीम आ गया, यहाँ आपको एसोसिएशन मिलती है और उस एसोसिएशन थ्रू आप अपने सपनों को पा सकते हैं, अपने 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 चीजों को चेंज कर सकते हैं, तब जाके इस बिजनेस को आप आगे से डेवलप करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें फंक्शन अटेंड करने में, जैसे आज हम लोग जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, आगे चल के जैसे पैंडेमिक खत्म होता है तो हम लोग उसमें फिजिकल मोड पे भी ये बिजनेस प्लान शेयर होंगे और सेमिनार्स होंगे और सीडी सुननी है जो हमारे अंदर के चीजों को चेंज करता है, बुक्स जो हमारे करेक्टर को बिल्ड करेगा, और 100% प्रोडक्ट यूज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैंने पहले आपको स्लाइड में दिखाया था कि अगर जो हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, उन प्रोडक्ट से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही उससे हम वर्थ प्रोडक्ट को पाते हैं, ना ही उससे कुछ मनी जनरेट कर सकते हैं, ना ही अपने सपनों को प्रोडक्ट सपनों को जन पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं या स्विच करते हैं इस प्रोडक्ट में, तो आप ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये हाउ वाला पार्ट था, 10% है, लेकिन 90% जो पहले ऊपर दिखाया गया कि ड्रीम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो अपने सपनों को हम पा सकते हैं। और इसको पाने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और लाइफ में अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज हमारी क्या है, जैसे कि फैमिली, जॉब, बिजनेस और अदर्स चीजें। अगर आप बिजनेस को इस अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, और प्रायोरिटी आपको ही चेंज करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं चेंज कर सकता है, चाहे दूसरा कोई कितनी मेहनत करे। और इसको ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, और ट्रस्ट एक और चीज है फेथ। फेथ आपको अपने सिस्टम, आपको अपने लाइन और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में करना ही पड़ेगा। आप लोग डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, ओवर टू होस्ट।